नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं सरधा में। आपने 3 दिन पहले एक खबर सुनी होगी जिसमें डबल मर्डर हुआ था और एक बाप बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक छोटा सा विवाद था, रंजिश थी, उन्हीं का ये परिवार है जो फीमेल महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। आप उनकी बहू हैं जो इस बार हुए। क्या नाम है आपका? रेशमा खातून। तो क्या मैटर था, मतलब कब से विवाद चल रहा था? विवाद कुछ दिन पहले था, झगड़ा को लेकर। जैसे कहा कि झगड़ा के कारण क्या था? जैसे आमने सामने दोनों लोग का दुकान है कपड़े के लिए, गाकी आते थे, वो लोग बुलाता था, वो गाकी नहीं जाते थे, हम लोग के दुकान पे आ जाते थे, फिर वो लोग चले जाते। तो क्या हमेशा का था कि एक ही बार दो बार हुआ था कि हमेशा ऐसा ही होता नहीं, था? हमेशा वो करता था मगर हम लोग नहीं बोलते थे। अगर थोड़ा भी बोल दिए तब तक वो फोन करता था, क्या करता था, तब तक पुलिस आती थी, हम लोग को मार पीट कर जैसे लेकर चले जाते, सब बंद कर देते सब। फिर उसके बाद ये सब हो गया, खत्म हो गया। मतलब कि थोड़ा सा भी एक जो ग्राहक बुलाने का था, शुरुआत यहीं से हुई थी। हाँ। तो वहाँ उनके ग्राहक जो उनके यहाँ ना जाकर के आपके यहाँ आ गए थे, तो ये रंजिश यहीं से शुरू हुई थी। हाँ। छोटी सी बात, फिर आते सब अपने दुकान पे, तो मेरे दुकान पे आते थे लोग। हाँ। कहते हैं क्यों आ रहे, हमको क्वांटिटी चाहिए ना। हाँ, तो सब गाकी मेरे पे आ जाते थे, फिर वो चले जाते थे मेरे दुकान से, तो ये झगड़ा करने लगता था। कभी गाली दे रहा था, कभी कुछ करता था, कभी लोग रास्ते में जाते थे तो गाली देते थे, सब मेरे देवर लोग नहीं बोलते थे, मेरे हस्बैंड नहीं बोलते थे, कुछ चला कर मार देते थे सब मेरे। अच्छा? हाँ, मगर कोई नहीं बोल रहा था, बोल रहे थे लोग जाने दो, नहीं बोलना चाहिए इस समय। हाँ, हम लोग उतना अमीर भी नहीं है कि चलो कहीं सुनवाई हो जाएगा चाहे कुछ होगा, फिर भी वो झगड़ा करते थे, मार करते थे उन्हें सबका। अगर मेरे घर वाले लोग जाते थे कुछ लेकर एप्लीकेशन, तो वहाँ लेते थे नहीं लोग। जब मारपीट करते थे लोग तो आप लोग एप्लीकेशन भी देते थे? सुनवाई नहीं होती, नहीं कुछ भी नहीं होता था। फिर जमानत होती थी, घर लोग आ जाते थे, रफा दफा हो जाता, जेल में गए, वही सब पकड़ा दिए। वही ये जेल में भी सुना है गए थे, तो उसके पीछे क्या कर रहा था? वही जैसे अचानक में जैसे यही कारण था, कारण दुकान की रंजिश को लेकर हमेशा वो परेशान करता, पूरी बाजार से परेशान, पूरी बाजार को तंग। वो लोग तो दबंग टाइप हैं क्या? हाँ, जी पूरे बाजार वालों को वो सब परेशान करते हैं। मंदिर गिरफ्तारी करके अपना घर बनवाया है। तो जैसे ना वो मेरे हस्बैंड है, वो गए होटल पे लेने लिए जैसे नाश्ता, अचानक से मार दिए सब। सुबह सुबह की बात ही लोग बोल रहे हैं सब ना, सुबह नवम्बर 15 नवंबर की 2022 सुबह की बात है। और मेरे भाई जा रहे थे, नाश्ता लेके आ रहे, तो उसके भी इतने में वो पीछे से आकर मार दिया मेरे भाई को। मेरे भाई से मारा था फिर वो मेरे हस्बैंड पूछे कि क्यों मार रहे हो मुझे, तो बोल रहे कि अभी पूछबे। मेरे भाई दोनों आकर भागे, फिर भी वो लोग दौड़ा कर मारे। उसके बाद प्रशासन आया, उसके बाद हमारे लोग जेल गए। हमारे लोगों की तरफ आप ही लोग मार भी खाए और आप ही लोग जेल भी गए? हमारे तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, यहाँ तक कि हमारे पिताजी और 3 भाई सब जेल में गए। 3 महीने जेल आए, हाई कोर्ट से जमानत लेकर आए, फिर उसके बाद मामला सामान्य था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कल 19 तारीख के बाद 19 तारीख के सुबह 7:30 बजे मेरे पिताजी 19 तारीख के शाम को 2 पुलिस आए, वो पूछे कि आपके घर में कैमरा कितना है, कहाँ कहाँ है, तो बताए लोग। अच्छा? हाँ। और फिर 20 तारीख को सुबह को 6-7 बजे 7:30 बजे अरे जैसे आए सब, मेरे देवर झाड़ू लगा रहे थे, मेरे ससुर खड़े हैं, आए सब मेरे देवर को मार दिए। मैं फिर मेरे देवर और मेरे ससुर भाग रहे हैं दोनों लोग, तब मार दिए फिर मेरे ससुर को, फिर उसके बाद पूरा कैमरा तोड़ दिए सब, टीवी फोड़ दिए सब, फिर उसके बाद ना आग लगा दिए सब, फिर मेरे देवर को घर में आकर यहाँ मारे हैं सब, यहाँ पे मार दिए सब, वहाँ पे ब्लड है, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मार दिए सब। उसके बाद फोर्स आधा घंटा 1 घंटा के बाद फोन लग रहा है, लगा रहा है। आप लोग तो दहशत में, पूरा परिवार तो पूरा दहशत में हो गया होगा कि आगे सामने के आगे किस तरह से बंदूकधारी आकर किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप लोग तो दहशत में पहले होंगे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे होंगे कि आप क्या करें। फिर फोन कौन किया था? अब ये नहीं मालूम है, जैसे जनता सब पब्लिक जुटे तो उसी में तो नहीं रहा होगा क्या लगा रहे थे, हम लोग नहीं लग रहा था हम लोग से, तो बीजी बीजी बोला था, कोई आया तो लगाया। तो फिर उसके बाद ये चीज आप जो बता रही है वो नोट करने वाली बात है कि ये जो घटना हुई थी उसकी 1 दिन पहले शाम में पुलिस आकर के चेक की थी कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और उसके दूसरे दिन सुबह में ये कांड होता है, तो क्या लगता है कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है? हमको तो जी लगता है,
अगर पुलिस निर्माण में तो कार्यवाही की भी बात कर रहे हैं, जो कि तीन दिन आज लगभग हो चुका है, तो कार्यवाही कहाँ तक होगी? हम सोच रहे हैं मैम कि जैसे मेरे देवर हैं, मेरे ससुर हैं, जैसे गोली से मार दिए हैं सब, उसी तरह अब मेरे एक हस्बैंड, एक मेरे देवर बचे हुए हैं, इन दोनों लोग पे खतरा है। और मैं यही चाहती हूँ, धमकी देते हैं बार बार, धमकी दे गए हैं कि जो बचे हैं उसको भी शूट करेंगे, हस्बैंड पर भी गोली चला दिए सब। मैं साफ साफ बच गए, ये ननद है, इनके भी ऊपर ये भी बच गई, साफ साफ बची है कि कहीं छू के निकली नहीं, ये भी साफ बच गई, वो भी जैसे आगे पत्थर उथर था उस पे टच हो गया। यही है ना, उधर से मार रहे थे सब। और हमको क्या चाहिए मैम, हमको बस इंसाफ चाहिए सरकार से भी, जैसे हम कह रहे हैं कि हमको बस इंसाफ चाहिए, जैसे वो लोग हमको मारे मेरे परिवार वालों को, तो उसी तरह हमको भी मदद करें, वो भी सब पकड़ा कराएं, उसी तरह मारे उन लोग को भी, और या तो फांसी की ऑर्डर हो उन लोग को, मेरा आँखों के सामने उम्र कैद है या तो फांसी है, देखते हैं क्या होता है, जिसे कार्यवाही बस यही सुरक्षा चाहिए हमारे भाई लोग को, और हमारा बस साथ दीजिए सरकार। क्या नाम है आपका? मासिया। आपको क्या लगती है? बड़ी बहन है, बस हमें इंसाफ चाहिए और हमारे दो घर के लिए। जी मैम, तीन दिन आज हो गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा, हम यही सोच रहे हैं जल्द से जल्द वो सब गिरफ्तार हो जाएं, हमारे आंखों के सामने आए, और हम लोग के सुरक्षित चाहिए। बहुत बेचैनी है हम लोग को, रात रात में नींद नहीं लगती है, डर हमेशा लगता है कोई आ जाए। खुला घर है जी, तो बन रहा कंस्ट्रक्शन में जी, जैसे लग रहा है मैम कि इधर उधर अभी तक उसी तरह है सब। तो वो सारे फरार है, ऐसी घटनाएं आ रही कि उनका इनकाउंटर हो गया है या फिर गिरफ्तार हो गए हैं, तो कितने आरोपी थे उसमें? जैसे तीन लोग व दो लोग बाहरी थे। अच्छा, पांच लोग घर थे, दो लोग बाहरी थे। जी चार, नहीं तीन बेटे और दिनेश थे, उसके बेटे पवन और पंकज प्रदीप, तीन बेटे थे और एक दिनेश उसका पिता था, और दो बाहरी भी आया था मारने के लिए, पिता और माँ भी आई थी, वही बोले ये जैसे यानी प्रेशर दे रही है कि मारो कह रही थी कि हाँ, वही सब जैसे चढ़ा रही थी। बहुत डर लग रहा है, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है, कैसे हम लोग जिएंगे? बस हम यही चाहते हैं, जितना जल्दी चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, जाएंगे बस, हम लोगों को। हमारे जवान पिता, जवान भाई चले गए, कोई सहारा नहीं है। चलिए अभी दुकान में ब्लेड जितना गिरा है देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इतना तीन दिन हो गया, कोई इंसाफ नहीं हम लोगों को मिला है, कोई तसल्ली नहीं हो रही है। दबाव दिया जा रहा है कि किसी से कुछ कहिए मत। अच्छा, ये बुलडोजर की कार्यवाही सुनने में आ रहा था कि बुलडोजर चला है, वो कहाँ चला है? क्या बुलडोजर हमारे तरफ से नहीं चला है बुलडोजर, वो ना जाने कैसे चला, हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि उनका जो घर है वो तो नहीं गिरा है, तो कैसे जाने कि मेरे मैटर के वजह से ये गिरा है इनका घर। छोटी छोटी बात पर कुछ भी विवाद होता था तो मेरे पिताजी थाने पर जाते थे, कहते थे कुछ भी, लेकिन एसओ पुलिस वाले कुछ भी नहीं लिखते थे, डांट कर भगा देते थे। ये बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, जान के बदला जान चाहिए, कि हम लोगों के दो भाई बचे हैं, बस हम लोगों के आँख के सामने रहे, सुरक्षा, तीन दिन हो गया कोई इंसाफ नहीं मिला। गोली चलाते वक्त यही बोल रहे थे कि खुला घर है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, गोली चलाकर सब कैमरे तोड़ दिए, तुरंत कैमरे तोड़कर आग लगा दिए, आग भी लगा दी, जो दुकान थी उसमें आग भी लगा दी, आग लगा दिए लाइटर से, वो खुद आग लगा दिए, फिर हम लोग जैसे पब्लिक जुटी तो बुझाई। दिनेश का बेटा पवन वही आग लगाया था दुकान में, तीनों कैमरे तो मैम हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस इंसाफ चाहिए, तीन दिन हो गई बस, या तो फांसी की ऑर्डर है, या तो जल्द से जल्द पकड़ा कर आए, और अगर इस समय आप लोग छोड़ देंगे तो कल के लिए फिर यही कांड करेगा हम लोगों को घर में, ऐसे ही करेंगे, ऐसा कहता है कि हमारी सरकार है, मतलब उसके जो है कि लगता है कि कोई धार्मिक सरकार है, यहाँ पे उसको पता नहीं है कि गणतंत्र है, ये हर किसी का होता है, सुनवाई नहीं है, मियां की कोई सुनवाई नहीं है, हमको ये सब ऐसा बोल रहा है, हमको बस ये चाहिए इंसाफ चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं है, बस हमको हम लोग सामान्य तरह से रहते थे, आज भी उस वैसे चाहते हैं, बस सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, जितना जल्दी हो, जैसे तीन दिन हो गया हमारे परिवार को, जैसे ऐसे में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, न कोई पकड़ाया, ना समझ, ये भी तीन दिन हो गया है, वैसे कार्यवाही के लोग कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो जाती है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि आप लोग मुस्लिम परिवार इसलिए थोड़ा सा
दबाव पड़ रहा है कि कार्रवाई हमको ये सबसे नहीं, हम लोगों की तसल्ली दे रही है कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। हमने बाहर में देखा बहुत सारे पुलिस वाले जो है बैठे हुए हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं, वो सिक्योरिटी कर रहे हैं आप लोगों की, कुछ दंगा फसाद ना हो इसके कारण। अब वो लोग जाने, हमको नहीं मालूम, अब वो लोग जान सकते हैं कि सुरक्षा के लिए बैठे हैं कि किस लिए बैठे हैं, अब हमको तो ये नहीं पता है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, आपको इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक ही घर के दो लोगों को इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाए, बहुत ही मतलब कि क्रूर और घिनौना स्वरूप है एक इंसानियत का, जिस तरह से इंसानियत आज के समय में सिर्फ छोटे से विवाद के लिए ग्राहक इधर आपके यहाँ आए उनके यहाँ आए, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। आपको इस पे क्या कहना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।